तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड्स के बारे में। और डैशबोर्ड्स की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ द डैशबोर्ड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जी हमने आपके साथ बातचीत की थी फॉर्मूले के बारे में, फंक्शन के बारे में, कि आपको एक्सेल सीखने से पहले, डैशबोर्ड सीखने से पहले कौन कौन से एक्सेल के फॉर्मूले आने चाहिए। हमने इस जी चीज पे आपके साथ डिस्कस की थी। जी अब डैशबोर्ड की हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम फंक्शन पे ही काम करेंगे और फंक्शन में हम बात करेंगे एरे फॉर्मूला की। ओके बस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है तो पूरी क्लास हम एरे फॉर्मूला के लिए ही रख रहे हैं। जी तो पहले चीज को जान लीजिए, एरे जो है कोई कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है। ओके एरे फॉर्मूला कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला लगाने का तरीका। ओके अब क्या तरीका, सोचिए। सबसे पहले एरे को जानिए। एरे का शाब्दिक अर्थ, मतलब कि जो शब्द का अर्थ होता है, वर्ड का मीनिंग जो होता है, वो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ओके okay. सांख्यिकी में पढ़े होंगे, स्टैटिक्स में, अपने 10th 12th क्लास में, जी तो सेम थिंग यहाँ पे होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम यहाँ 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जी आप बोलोगे बट इसका बेनिफिट क्या हुआ? जी यहाँ पे सवाल उठ के आता है कि हमने कर्ली ब्रैकेट में एक ही सेल पे लिख दिया है, 2 3 4 नंबर सारे, बट इससे कोई साबित तो नहीं होता है कि हाँ अपने हम ऑफिस से लाइफ में या अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम में इसे इस्तेमाल करें। जी हाँ जी, क्या इसका यूजेज हुआ हमारे डैशबोर्ड में? क्या कोई है आइडिया? आपको मैं चीज बता चुका हूं लास्ट फॉर्मूला क्लास में। अब कई जैसे कई हमें एक ही अगर हमें सेल ही तो में, कल मैं इसको बताया था ना आपको। हाँ जी, अगर एक ही सेल में हमें मल्टीपल अगर हमें फॉर्मूला लगाने और हम उसको रिपीट ना करना, पहले हमने मान लो कोई लगाया फंक्शन, फिर सेकंड स्टेप में हमने दोबारा लगाया, थर्ड स्टेप में हमने दोबारा लगाया, तो 3 बार हमें उस काम को करना पड़ा। बट अगर हम इस एरे को लगा देते हैं तो हमारा एक ही सेल में हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके उसको हमने जो भी हमारा रिजल्ट हमें चाहिए वो हम ला सकते हैं। जी हाँ, आपने सही बताया। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिविंग में बताया है आपको, कुछ जी और एग्जाम्पल्स बताते हैं इसका आखिर जी यूज कहाँ होता है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे कि यहाँ 1 2 3 हमने किया, लेकिन इसी को अगर हम इक्वली ब्रैकेट में 1 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3 सेमी कॉलन 4 इस तरह से लिख दिया ना सर, तो क्या होगा? वो अबे कॉलम में रो आएगा, वाइज सर आएगा, क्योंकि रो वाइज आ जाएगा वो। कॉमा जो होता है ये आपका एक्सेल के अंदर में एरे में एक कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये जो रो को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपको रो एंड कॉलम जी दोनों देना है तो कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 फिर सेमी कॉलन 1, 2, 3, 4 या फिर जो भी देना चाहते हो दे दीजिए। अब 4 के बाद जो है ये नीचे वाले रो में आएगा। आया? जी अब इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे मान लीजिए कि हमारे पास एक, मैं एक नाम लिखता हूं सुजीत। मैं चाहता हूं कि मेरे एक नाम है हर एक लेटर के अंदर, हर एक सेल में अलग अलग लेटर के अंदर। मतलब कि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है, यहाँ पे ई है ओके और यहाँ ई है और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसके लिए क्या जी करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मा लगाएंगे मेड फॉर मिड का। मिड मेड, हाँ हम जी इसको सिलेक्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट। इसमें आप मैनुअली की बात करें तो यहाँ पे हम मैनुअल लगा रहे हैं 1, 1 तो पहला एस दे दिया। हम यहाँ एरे यूज नहीं जी कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं 2, 1 अगेन मिड देते हैं 3, 1 सॉरी नहीं, वो सिलेक्ट कर्ली ब्रैकेट में लगाया था। करना भूल गए। हाँ
हाँ सिलेक्ट डी कॉमा वन, फिर यहाँ पे देते अगेन मिड और देते इसको सिलेक्ट करते हैं देते हैं फोर और यहाँ पे फोर कॉमा वन अगेन मिड इसको सिलेक्ट किया फाइव कॉमा वन और अगेन मिड दिया। आप देख रहे हैं सारे फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है जी जो हमारा ए वन सिक्वेंस नहीं नहीं हो रही। अब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है सब, अंतर क्या है जी कि हर फॉर्मूले में सिक्वेंस है तो जो यहाँ जो सिक्वेंस है तो यही पे है क्योंकि मुझे यहाँ पे वन चाहिए टू चाहिए थ्री चाहिए फोर चाहिए फाइव चाहिए सिक्स चाहिए जी। तो मैं यही पे मिड का यूज करूंगा और इसी में हम क्या कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कर दिया एन कॉमा वन करके एंटर मारा तो आप देखिए हर लीटर को अलग अलग हो। अब बोले कि कुछ इसलिए आपको ध्यान दिमाग में आ रहा होगा छह है सात हुआ दस हुआ बीस हुआ तब क्या करेंगे हम लॉट केस पे आएंगे। हमने बताया आपको कि कैसे सुगम हो गया एरर ने हमारा काम कितना सुगम कर दिया जी समझ रहे बात को जी सर। हम एरे के बगैर भी काम करते थे लेकिन वो काम बहुत ही दुखदायी था एक एक के लगाना। अब लोग सर दुखदायी क्यों बोल रहे हैं एक ही काम को बार बार करना दुखदायी एक बार रिपीट। हाँ जी जी क्या जी सर जी जी एक मूवी को एक बार देखने में मन लगता है दूसरे बार मन लगता है तीसरा बार भी टीवी पे मूवी आती है तो इरिटेट करती है जी 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 इसलिए ये जो है थोड़ा सा इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया जिससे हमारा काम इजिली हो गया। और यही नहीं इससे एक और बेनिफिट है जब हम बल्क में करेंगे तो बल्क में हमारा ऑटोमेशन जो है वो बहुत ही कम गलतियां करता है बट मैनुअल ज्यादा गलती कर सकता है इसलिए हमारी अटेंशन होती है कि हर एक टॉपिक को ऑटोमेट करें कम से कम मैनुअल वर्क करें। ओके जी तो वापस हम एरे पे आते हैं तो बेसिकली एरे का दो बेसिक दो पार्ट है पहला है डिस्ट्रीब्यूट जो आपने देखा अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ दूसरा होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का एक ऑप्शन देता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ 25, 35, 96, 85, 85 इस तरह के हमारे पास नंबर्स बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि हर नंबर को पहले मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए थ्री करना मतलब हर नंबर को वन बाय वन इंडिविजुअली मल्टीप्लाई बाय थ्री करना फिर उसमें हमें हर किसी में 80 जोड़ना है समझे हर किसी में क्या करना है 80 प्लस करना 80 ऐड करना 80 ऐड करना जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा में 80 ऐड करना 80 ऐड करने के बाद सबका मुझे 10% निकालना है क्या निकालना है 10% इसका 80 ऐड करने के बाद 10% ऐड कर निकालना है कैलकुलेट करना जो 10% आया है उस 10% में हमें 100 प्लस करके रिजल्ट मिलना नहीं माफ कीजिएगा डिवाइड मान लीजिए ना मुझे डिवाइड करना है इसको डिवाइड बाय टू करना है ठीक है और फिर इसका फाइनल सम लेना डिवाइड बाई टू के बाद हुआ उसको तो बेसिकली मुझे जो रिजल्ट चाहिए 82। अब देखिए इस रिजल्ट्स के लिए मैंने कितना बड़े एरिया को बिजी कर जी कई स्टेप्स में हमें करना पड़ा ये। हेलो हेलो सुन रहा हूँ जी तो आपने देखा कि इसने कितने बड़े एरिए को रिजर्व कर तो कितना लंबी है। अब इसी काम को एरे कितना आसानी से करता है चीज को देखिए हमने यहाँ पे लिखा सम क्योंकि तो फाइनल रिजल्ट तो मेरा सम ही दे रहा है कम सम के साथ चलेगा
हमने इसको सिलेक्ट किया, पहला है मल्टीप्लाई बाय 3 देन प्लस 80 देन 10% देन डिवाइड बाय 2 एंड अब बोले सर मेरा रिजल्ट तो 12/1200 आ रहा है यहां पे था, क्योंकि हमने यहां पे क्या यूज नहीं किया सर, बोर्ड मास ब्रैकेट। जी हां बोर्ड मास का मेथड हमने यूज नहीं किया। अब मैं 1/1 सबको हर स्टेप को ब्रैकेट में रख देता, ब्रैकेट में करना पड़ेगा। आ गया जी। अब इसी कैलकुलेशन के लिए हमने इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा टाइम वेस्ट किया, इस सारी स्टेप्स को हमने एक अंदर में डाल। अच्छा एक चीज है इसमें, जैसे ये यहाँ जहाँ ये सारा लिखा आ रहा है, इसमें कर्ली ब्रैकेट तो शो नहीं हो रहा? नहीं कर्ली, देखिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जब इसका कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे ना तब कर्ली ब्रैकेट शो होगा। ओके ठीक है ओके। और लेटेस्ट वर्जन में एरे को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, इससे पुराने वर्जन में एरे के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने होते हैं। Okay, यहाँ पे okay, आप okay. क्या समझ रहे हैं एरे से? देखिए एरे कोई फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है, वी लुकअप एच लुकअप इसे लगा दो, एरे लगाने का तरीका है। और ध्यान रखिएगा कि एरे का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे रिजल्ट नंबर्स में आता है, टेक्स्ट के लिए नहीं करते। ओके अब चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं छोटे छोटे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, अब कुछ नंबर्स में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारा एमआरपी, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इसका टोटल निकालना है जी, टोटल कितनी सेल हुई, तो जनरली पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे देन सम करेंगे जी, तो यहाँ पे हम सम के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है जी। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको कोई नंबर्स, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ रखा, अब इसमें कहीं कहीं पे जो है पीआईवी के एरर। अब यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ अगर डायरेक्ट सम करता हूं तो सम एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया, क्योंकि इनपुट में अगर जीरो है एरर है तो आउटपुट भी आपका जीरो एरर ही होगा। तो इसका अगर मैनुअल में जाए तो आपको एक नया कॉलम में इफ एरर लगाना पड़ेगा और इसको जीरो करना पड़ेगा ताकि एरर को जीरो कर दे, देन यू कैन सम। तो उसको आप डायरेक्ट सम के अंदर ही डाल सकते हैं, इक्वल सम इफ एरर, इफ एरर इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा जीरो, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप जो है इसके अंदर अपने हिसाब से मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, आप इसमें और भी सेकेंडरी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लगाने के रीजन क्या हुआ, क्योंकि इफ एरर कहता है कि मैं एक सेल में लगता हूं, मुझे एक सेल का इनपुट दो, समझे जी। लेकिन एरर एरे में हमने क्या कर दिया, हमने एक रेंज दे दिया। अब ऐसे रेंज देते हो आप, अगर ऐसे इस तरह से रेंज देते हैं तो आपका फॉर्मूला इस तरह से एरर कोड देगा, ठीक है ना जी। इसलिए एरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए कुछ और बात करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है और मुझे पता करना है कि सबका लेंथ क्या है, मतलब इन सबों का, क्योंकि मैं इनको सबको मुझे एक सेल में कंबाइंड करना है, मुझे इसमें से इसका पता करना है कि इसकी साइज क्या है। तो इसके लिए जनरली हम लेन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी लेंथ को काउंट करेंगे और फिर इसको सम कर देंगे, राइट जी। अब ये चीज यहां एक साथ भी कर सकते हैं, इक्वल सम लेन और यहां पर रिटर्न कर देंगे तो नंबर आ,
अब यहाँ पे बात एक और उठ के आती है कि अभी तक जो हमने यूज किया वो सारे के सारे रिजल्ट जो है नंबर्स में आए, मुझे अगर रिजल्ट टेक्स्ट में चाहिए तो क्या करूंगा? जैसे तो मुझे चाहिए कि कि सिर्फ सबसे हम अभी बोले आपने कहा था कि एरे सिर्फ हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं। एरे हमेशा आउटपुट नंबर देता है और टेक्स्ट नंबर एरे जी कैलकुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में देगा, जैसे कि आपने यहां देखा, ओके ठीक है ना भैया, तो जी 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 डिस्ट्रीब्यूशन में जी देगा लेकिन कैलकुलेशन में एक ही देगा। जैसे मुझे पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा अच्छा समझ गया ना, जी कैसे करें? तो अगर मैनुअल हम यूज करेंगे तो हम इसके लिए सबसे पहले फॉर्मल लगाएंगे लेन का, ठीक है, लेंथ लेन फॉर्मूला क्या करेगा, लेंथ निकालेगा, निकाल दिया। फिर फॉर्मूला जी लगाएंगे मैक्स का, इसमें से मैक्सिमम अब जो है हमारा, मैक्सिमम देखिए एरे का एक नियम है कि पहले उसको नॉर्मल तरीके से लगाइए, 6 आया, और फिर यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और 6 को मैच करेंगे, इससे मुझे इसका पोजीशन पता चल जाएगा, 3 नंबर, पोजीशन ओके दैन इंडेक्स थ्री का नंबर फॉर्मूला या ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से 3 नंबर को ले आए। नाम पता कर लेंगे जी अब स्टेप पता चल गया तो फाइनल हमारा जी रिजल्ट क्या है, इंडेक्स है, और इसको किससे मिल रहा है, जी मैच से मिल रहा है। तो मैं यहां पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो स्टार्ट करूंगा मैच से, मैच मैच से मुझे लुकअप क्या करना है, तो मैक्स लेन, नेक्स्ट लेंथ इंडेक्स का हमें हमें तो नाम चाहिए हाँ तो हमने लेन मैक्स लिया ना कि सबसे बड़ा नाम चाहिए हमें, उसके बाद फिर हमें लुकअप कहाँ करना है, तो सेम करना है यहाँ पे लेन के अंदर, लेन हमने इसको सिलेक्ट किया और एग्जैक्ट मैच करना आया 3 नंबर। अब जी इंडेक्स जो क्या करेंगे इसको इंडेक्स के अंदर डाल देंगे, इंडेक्स इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, आपके सामने रिजल्ट आ गया। राइट सर, जी इसका यूज हम बड़े डेटा के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम, और यहां पे हमने कुछ सेल्स लिया हुआ, हमें क्या करना है कि इसमें से मुझे पूजा प्लस, पूजा का सेल चाहिए, यहां मोहन का सेल चाहिए, तो आप लगाएंगे फिर ड्रैग करेंगे, जी उससे अच्छा है कि आप यहां पे लिख दें सम इफ, सम इफ हमने रेंज सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया में हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, अच्छा कॉमा इसको सेलेक्ट कर, आगे सर अलग अलग समझ गया इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसे मान लीजिए कि मुझे यहां पूजा प्लस मोहन का सेल चाहिए, तो कैसे होगा? अब यहां पे मुझे सम इफ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सम इफ सिंगल देगा, मल्टीपल नहीं देगा, तो क्या जी करेंगे हम यहां पे सम और इफ को तोड़ देंगे, सम इफ हमने इसको लिया एंड बोला कि अगर ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, दो है ना इसलिए पूजा जी कॉमा मोहन यहां पे, और फिर हमने ये ले लिया, एंटर प्रेस किया, ये ले लिया, ठीक है। इसमें चीज और भी हो सकता है, जैसे आप पूजा जी का वी लुकअप लगाते हैं, लगाते हैं ना, इसका एग्जांपल मैंने बताया था टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले के साथ, याद होगा, हेलो लास्ट क्लास हाँ मैंने जी टेक्स्ट ज्वाइन के साथ बताया था ना आपको, सब्स्टिट्यूट का एक आपने बताया था नहीं जैसे मान मैंने वी लुकअप लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे पूजा का चाहिए कि 13 यहाँ पे कॉमा पूजा यहाँ पे 83 है, 83 ये चाहिए, बताया था ना आपको मैंने, नहीं सर इस ये भी करना आपको था टेक्स्ट ज्वाइन के माध्यम से होगा, टेक्स्ट ज्वाइन हमें
लिमिटेशन चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फिर हमने यहां पे लगाया इफ का फॉर्म, इफ अगर इसमें से इक्वल टू हमारा पूजा है तो सम दे दे, कॉमा ब्लैंक। तो पूजा की जितनी वैल्यू थी कॉमा कॉमन कर ले करके ले आया, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मूला हमारा पहले तो हमने डिलिमिटर दे दिया। अच्छा ठीक है, अगर हमारी इसको इग्नोर वो करेगा ट्रू, उसके बाद हमने इफ लगाया पता क्या होता है, इसे ए जो है टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, लास्ट लास्ट प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई। ये सर टेक्स्ट जॉइन शायद रह गया था मेरे हिसाब से, नहीं ये बताया था मैं तो वीडियो भी देखी है टेक्स्ट जॉइन उसमें सर नहीं था। इसने क्या किया कि एक रेंज को ज्वाइन कर लिया, हमने यहाँ पे कॉमा को किया, कॉमा इसलिए किया ताकि एक नेम से दूसरे नेम के बीच में जो सेपरेटर है वो कॉमा, वो कॉमा से है। उसके बाद हमने ट्रू दिया, ट्रू इसलिए दिया क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में अगर ब्लैंक हो तो यहाँ पे डबल डबल कॉमा ना दिखे, अगर मैं ट्रू के जगह पे फॉल्स कर दिया तो देखिएगा यहाँ पे डबल कॉमा दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए तो यही भी मैंने बोला कि इफ जो जहां जहां हमारा पूजा से मैच करता है, जहां जहां पूजा से मैच करता है उसके जगह पे पूजा की वैल्यू डाल दो, जहां पूजा की वैल्यू नहीं मैच करती है वहां पे ब्लैंक डाल दो। तो ब्लैंक डालने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि ब्लैंक इफ एरर ब्लैंक माफ कीजिएगा जो टेक्स्ट ज्वाइन है ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता है, ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता है तो इसने इसको स्किप कर दिया और यहाँ पे वही नेम दिखाया जो यहाँ पे कमाल, समझ गए जी, विदाउट इसमें नहीं। ये चीजें हमने यहाँ पे एरे की मदद से किया है। ओके जी, अब चलिए कुछ थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देते हैं। अभी तो एरर समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? जी 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 जी, अभी तक तो आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं। अब चलिए मान लीजिए कि अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस महीने का फर्स्ट डेट था, मुझे इस महीने का सैटरडे का डेट चाहिए, लेकिन कौन सा सैटरडे, सेकंड सैटरडे। अब क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए आपको जो है स्मॉल फॉर्मूला और लार्ज फॉर्मूला को समझना होगा। अब जैसे कि मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, इसने का मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। हां जी, मिन फॉर्मूला क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकाल, मिनिमम वैल्यू दे देगा। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे दूसरे नंबर, मुझे पहले नंबर का मैक्स, दूसरे नंबर का मैक्स, तीसरे नंबर का मैक्स या स्मॉल मुझे चाहिए सीक्वेंस वाइज, 88 से छोटा, 88 से छोटा कौन सा है और 10 से बड़ा कौन सा है। अच्छा, तो उसके लिए लार्ज और स्मॉल फॉर्मूला, लार्ज फॉर्मूला हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लिया नंबर, तो पता चला कि 88 जो सबसे बड़ा है, फिर नीचे आए उससे वाला 86 है, उससे वाला हमारा 83 है, और सेम यहाँ स्मॉल भी सेम तरह से काम करेगा। तो 10 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 13 है, उससे बड़ा 16। अब यहाँ पे हम सेम फीचर यूज करेंगे। अब मैनुअल कंसेप्ट क्या है चीज को देखिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे लूप की बात आती है कि मैं 10 अगस्त लूंगा और 10 अगस्त से लेके पूरे महीने का डेट लूंगा, ले लिया, और मुझे टेक्स्ट फॉर्मूला से हम क्या करेंगे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट, सर डेज में कन्वर्ट करें। हाँ जी, डेज में वो कर देंगे, ठीक है ना जी। अब यहां पे हम कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए सैटरडे है तो
डेट को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक शो करो, ब्लैंक नहीं फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स हो गया। अगर ये सैटरडे है तो ये सैटरडे हो तो जो डेट है वो डेट शो कर दे। अच्छा उसकी डेट शो कर दे। सैटरडे नहीं है तो ब्लैंक कर दो। तो यहाँ क्या हुआ कि जितने सैटरडे है सारे डेट निकल जाएंगे। आगे अब इसमें से सेकेंड सैटरडे के लिए हम, क्योंकि डेट एक तरह से नंबर ही होता है, डेट को अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में लाए जनरल फॉर्मेट में जी, तो नंबर ही कहलाता है जी। तो यहाँ पे सारे नंबर अब मुझे इस नंबर में से दूसरा छोटा चाहिए। अच्छा ऐसा हमें वो पता करना। हाँ जी मुझे इसमें से दूसरा छोटा चाहिए तो मिनिमम लगाऊंगा तो क्या होगा, पहली डेट आ जाएगी, पहली सैटरडे अगर निकालना है तो मिनिमम लगा दीजिए, लेकिन मुझे चाहिए दूसरी सैटरडे तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैटरडे स्मॉल स्मॉल या सेकेंड लास्ट सैटरडे तो लार्ज। ठीक है ओके। हाँ जी हाँ जी स्मॉल हमने डेट को सिलेक्ट किया और हमने पोजीशन को सिलेक्ट किया। आ गया डेट, डेट इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 14 अगस्त सेकेंड सैटरडे। ठीक है बट प्रॉब्लम है कि इतने सारे तामझाम किया हमने, अब इसको एक सिंगल सेल में चाहिए तो सबसे पहले जरूरत है मुझे 1 से 31 तक का डेट क्या, लेकिन रिजल्ट तो हमें आएगा स्मॉल से ही ना जी, ये स्मॉल और यहाँ पे हमने दिया इफ टेक्स्ट, सारे फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं सीक्वेंस में उल्टे क्रम में जी, जी, जी। इसको लिया, इसमें प्लस कर दिया रो 1 से लेके 30 तक या 31 को 30 तक ही होगा। ठीक है तक था सर, नहीं एक प्लस होता है, हाँ 31 तक होगा, मार्क कीजिएगा यहाँ 31 तक होगा, 31 दिया ना। अब इसमें हम करेंगे डी 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 3 बार डी, इससे क्या निकलेगा टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा उसका डे शो कर देगा। अगर इक्वल टू डेज है तो फिर हम वापस इसी को कॉपी कर देते हैं, अदरवाइज ब्लैंक। इफ को क्लोज किया हमने और यहाँ पे पोजीशन में हमने सेकेंड सैटरडे इंटरफेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप सोच होंगे कि आपके लिए काम कैसे कर रहा है, हम इस फॉर्मूले को समझे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला बार के एवलेट फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला बार के एवलेट फॉर्मूला में, इसमें हमें समझने का तरीका दिया हुआ है। यहां जाएंगे एवलेट करेंगे, देखिए यहां पे नंबर डेट आ गया, इसमें से प्लस हुआ तो जो रो फॉर्मूला है वो 1 से लेके 31 तक टूट गया, जी। अब 1 से लेके 31 अब इसमें अभी होता क्या है बताता हूँ आपको, कि अब किसी नंबर यहाँ पे है, मुझे मान लीजिए कि इस नंबर में दो चीज, एक जोड़ना है, दो जोड़ना है, तीन जोड़ना है, चार जोड़ना है, इसमें प्लस हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 कर देंगे तो क्या होगा कि 3 बार यहाँ आ जाएगा ना, ट्रिपल आ गया ना जी। अब कर्ली ब्रैकेट में 1 से लेके 31 तक लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने क्या किया था, इसमें हमने रो लिया था, तो रो फॉर्मूले जब रो फॉर्मूला का पूरा कर्ली ब्रैकेट जब 444-09 में ऐड हुआ तो 444-09 से लेके 31 दिन का एक नंबर सीक्वेंस नंबर क्रिएट किया, जैसे कि हमने डेट यहां क्रिएट किया हुआ है, समझे जी। अब क्या हुआ कि अब इसने अगेन वैलिडेट किया तो इसने इफ इसने टेक्स्ट फॉर्मूले ने जिसको संडे मंडे में कन्वर्ट कर दिया तो टेक्स्ट, हां जी उसमें डे में कन्वर्ट। अब इफ जो है मैच करेगा कहां कहां पे संडे है, सैटरडे जहां जहां पे मैच किया वहां वहां पे ट्रू, जहां पे मैच वहां पे फॉल्स दे दिया। अब क्या हुआ कि फिर दोबारा सेम चलेगा और रिजल्ट के लिए नंबर लाएगा, फिर दोनों को रख देगा, जहां फॉल्स है वहां पे फॉल्स आ जाएगा सिक्वेंसली और जहां पे फॉल्स नहीं है ट्रू है वहां पे उसका नंबर आ जाएगा। आ गया जी समझे जी। फिर उसमें से हमने स्मॉल जो उसमें स्मॉल को नंबर्स मिला, स्मॉल को बोला गया कि भाई इस जो आपको मिला है क्योंकि ब्लैंक को तो इग्नोर करेगा, वो जो नंबर्स है उसमें से दूसरा नंबर मतलब पहला और दूसरा नंबर
आपको दे देगा। स्मॉल जो है वो दे देता है उसने। हाँ जी, ये आपका आ गया सेकंड से। तो थोड़ा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट जैसे पहले आपने इंडिविजुअली बताया ना जब एरर नहीं लगाया तो थोड़ा इजी सा लग रहा था, बट अभी इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। ठीक है, इसको तो काफी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ जी, अब चलिए एक और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए, तो कुछ टेक्स्ट है जैसे सुजीत 1, 2, 3 और यहाँ पे डीएल कर दिया। अब मुझे इसमें से इसका नंबर ट्रैक करना है, कैसे करें? अब सुजीत को थोड़ा छोटे, ज्यादा बड़ा हो गया तो छोटा कर। ठीक है, हम क्या करेंगे, मिड का फॉर्मूला लेंगे जो कि लिया था, याद होगा आपको जी। इसको हम अलग अलग करेंगे, तो यहां पे मैं कॉलम का फॉर्मूला अगर रख देता हूं, रो का फॉर्मूला भी, एरे में तो रो चलेगा बट यहां कॉलम रख दूंगा, और इसके हिसाब से आप F2 प्रेस करके कंट्रोल से एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब ये वन बाय वन हमें लिखना पड़ेगा, कंट्रोल से एंटर। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल से एंटर, तो हर लेटर अलग अलग हो गया जी, और हर लेटर में मैं प्लस जीरो करता हूं, तो जो नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा, जो टेक्स्ट है वो क्या आ जाएगा, एरर वैल्यू शो कर रहा है, एरर है ना जी। अब मैं यहां पे इक्वल इज एरर को लगाऊंगा, इज एरर फॉर्मूला जहां जहां एरर होगा वहां वहां ट्रू दे देगा, जहां एरर नहीं वहां फॉल्स दे देगा। अच्छा, अब मैं मैश फॉर्मूला की मदद से फॉल्स को लुकअप करूंगा, यहां फॉल्स को लुकअप और फॉल्स को काउंट करूंगा, काउंट। तो पता चला कि पांचवे नंबर से तीन करेक्टर हमारा, पांचवे करेक्टर से तीन करेक्टर पे तीन करेक्टर हमारा नंबर, तो यहां मैं मिड फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां से पांचवे करेक्टर से तीन करेक्टर हमारा जो कि नंबर उठ के आ जाएगा, समझे? पांचवे करेक्टर से तीन नंबर, हाँ जी आ गया ना, जी 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 जी। तो कंसेप्ट समझ में आया जी। अब इसको देखिए हम वीवी के थ्रू, इसके एरे के थ्रू कैसे बनाते हैं। एरे के थ्रू हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला मिड का, ठीक, लेकिन मिड फिलहाल छोड़ देते हैं, फिलहाल देते हैं मैच, अलग 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 निकालते हैं ना, मैच, मैच में मुझे फॉल्स को मैच करना है, किस में मैच करना है, तो हमें मैच करना है इज एरर, इज एरर के अंदर क्या है, इज एरर के अंदर है मिड, मिड में हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि रो के अंदर एक से लेके चार, तीन, सात, तो आठ, आठ डालने इस तरह से कि जितने लेटर, चार लेटर, चार तीन सात दो नौ, माफ कीजिएगा नौ। अब यहां पे कंफ्यूजन आया कि नौ लेटर है ये कैसे आइडिया लगेगा, क्योंकि हर बार तो अलग हो सकता है ना, तो यहां पे हम एक और काम करेंगे, हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में सेमी कॉलम लगाते हैं, इसके साथ हम लेन फॉर्मूले से इसकी लेन निकाल लेते, जितना लेंथ होगा उतना मैच होके वन स्लैश उतना बना देगा, बड़े टेक्स्ट में बनाएगा, मुझे तो चाहिए नंबर, तो इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर रखेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट लास्ट में एक्सप्लेन किया, और यहां पे वन कर दिया और प्लस जीरो, इस एरर हमारा हो गया मैच के लिए जीरो कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, फाइव आ गया सर। अरे फाइव कैसे आया समझ लेते, इसी प्रोसीजर को फॉलो किए जो नीचे दिख रहा है,
तो सबसे पहले इसने क्या किया कि लेन से लेन की काउंट निकाली तो पता चला कि 9 है, फिर उसने 1 के साथ 9 को कंबाइन किया तो 1 से 9 मिला, लेकिन एज ए करेक्टर एज ए टेक्स्ट इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में। अब रो को 1 से 9 मिला तो 1 से लेके 9 तक टूट गया, टूट गया सर जी। अभी कर्ली ब्रैकेट में 1 से 9 तक है तो मिड को 9 बार चलना है और 1 by 1 को काउंट करना है, तो हर एक अलग अलग लेटर्स में अलग कर दिया। फिर इसमें प्लस 0 हुआ तो हो गया वैल्यू और नंबर जो था टेक्स्ट में वो नंबर बन गया। इस एरर ने इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैच ने फॉल्स को लुकअप कर लिया, पहले फॉल्स को। तो फॉल्स स्टार्ट कहां से है तो 5 बार। अब बात करते हैं नंबर ऑफ करेक्टर की, कि नंबर ऑफ करेक्टर कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए नंबर ऑफ करेक्टर के लिए हमें क्या करना था, काउंट इफ, क्या बोले, काउंट इफ तो हमने लगाया था कि कितने, इसमें हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सम का फॉर्मूला लगाएंगे एंड नॉट का, नॉट इज एरर, जेरर और इज एरर के अंदर होगा मिड, मिड माफ कीजिएगा यहाँ पे काउंट का काउंट किया था ना, कितने वो है काउंट, काउंट इफ एरर को सपोर्ट नहीं करता है सर, मैं ऐसे समझाने के लिए। इस केस में हमने जैसे हमारा फिफ्थ नंबर पे हमारा मैच, हमने उसकी पोजीशन पता कर ली थी और उसके बाद कितने वो हैं फॉल्स, वो 3 आए थे हमारे। हमें एक बार मुझे करने दीजिए, मैं समझाता हूं, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट किया रो के अंदर, फिलहाल मैं 1 से लेकर 9 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। इसने अलग अलग कर दिया, ठीक है, प्लस 0 हुआ, एरर हो गया, इज एरर आया, इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया। और नॉट क्या किया, इसको ट्रू फॉल्स को ट्रू में इसको इसने बना दिया, ट्रू को 1 में बना दिया, समझे। तो फॉल्स नॉट को लगाने से हुआ। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो काउंट को रिजल्ट मिला उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते, बट 9 आ गया, लेकिन हमें तो 3 चाहिए ना जी। तो हमें इसको क्या करना था, ट्रू को यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते, इफ के अंदर सम के अंदर इफ लगा देते, सम इफ, इफ में हम बोलते हैं यहाँ पे देते लॉजिकल टेस्ट, बोलते वैल्यू ट्रू हो तो 0, वैल्यू फॉल्स हो तो 1। अब आया थी, अब देखिए कैसे काम किया इसने, इसने काम किया कुछ इस तरह से कि सब कुछ सेम हुआ, जब ये ट्रू फॉल्स में आ गया तो ट्रू फॉल्स में आ गया, तब इफ चला, इफ ने क्या किया, ट्रू को कर दिया 0 एंड फॉल्स को कर दिया 1, और जितने 1 उतने करेक्टर और सम ने उसको काउंट कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। इसने किया क्योंकि काउंट इफ हमारा एरे को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा ठीक है, अभी सेम चीज को हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करके यहां जहां 5 है उसके जगह पेस्ट कर देते हैं, और जहां सम इसको कॉपी करते हैं, और जहां हमारा 3 है उसके जगह पेस्ट करते हैं। आ गया रिजल्ट जी, क्लियर है ये सर, मतलब काफी थोड़ा कम, मतलब जैसे आपने पहले इंडिविजुअली समझाया ना, तो पहले मैं उसको तोड़ा, फिर जो सर, वो एरे पे कमांड कर लिया तो एक्सेल पे कमांड कर लिया, ये सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जो है इसमें मुझे, मैं सही बताऊं तो मुझे पहले ये ट्रू जहां तक हमने वो किया था इस एरर तक, फिर उसके बाद आया मैच लगाया, फिर हमने मिड फॉर्मूला लगा के वो नहीं, जब वो एरे में कन्वर्ट हो रहा है तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तोड़ तोड़ के अगर हम कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम आपको बता,
इजी जैसे कि एक काम आया था मेरे पास जिसको मैं एरेस नजर एक काम आया था मेरे पास अच्छा बेसिकली एक फीडबैक आया था अमाउंट बिल डेबिटेड इन ठीक है ऐसे बहुत सारे ये थे नरेशंस थे बहुत सारे नरेशंस थे तो हमें सेग्रीगेट करना था कि जैसे कि होता क्या था कि प्रॉब्लम्स की मेल्स आती कस्टमर्स ने हजारों हजार मेल्स डेली आते थे कस्टमर्स के जिसमें कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर अब ये बताइए हर कस्टमर का पूरा पढ़ना और फिर उसको एलोकेट करना मुश्किल था ना क्या जी कस्टमर ने मेल कर दिया कि भाई मुझे आपका जो है फलना आया मान लीजिए बैंक से भी मेल आ रहा है और बाकी जगहों से मेल आ रहा है मुझे फाइनेंशियल एक्टिविटी कहाँ हो रहा है मुझे पता करना समझे कई सारे मेल जा रहे हैं उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी हाँ तो मुझे यहाँ पे मुझे मेल को मतलब जो डिटेल है उसको किस टीम फाइनेंस टीम को देना है क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज है जैसे कि अमाउंट क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ है क्या बट यहाँ देख रहे हैं अमाउंट क्रेडिट भी हुआ है डेबिट भी हुआ है हुआ है ना अब यहाँ पे एएमटी लिखा हुआ है यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ और कहीं कहीं पर ए भी लिखा होता है क्रेडिट यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है आर एस थाउजेंड क्रेडिट इन योर बैंक समझ रहे हैं बात को जी तो यहाँ कहा गया कि मेरे पास कुछ ए है कुछ वर्ड्स हैं जैसे सिया दिया अमाउंट अमाउंट ठीक है आरएस अगर ऐसे वर्ड अगर हमारे पैराग्राफ में मिलते हैं तो फाइनेंस टीम का काम है सर जी अब प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक चीज को यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड का कॉमा लगाया और बोला कि भाई क्रेडिट जो है इसके अंदर स्टार्ट हुआ इसे बता इसमें नहीं क्रेडिट नहीं है सर नहीं है अब फिर मैं डेबिट सर्च करूंगा तो कितने ये लिस्ट होते बड़े बड़े लिस्ट होते थे तो कैसे करें इसको तो हम इसको करते थे सम फॉर्मूला सम हम लगाते थे फॉर्मूला फाइंड ठीक है फाइंड फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया स्टार्ट नंबर हमने वन किया एंटर प्रेस किया एरर आया अब क्यों एरर आया सी बता दो हमने तो पूरी रेंज दे दी है इसमें हाँ देखिए ना तो इसने देखा कि यहां देखिए 10 आया है ना सर एक रिजल्ट तो आया है ना सर जी फिर भी एरर दे रहे क्योंकि सम को एरर मिला और जाहिर सी बात अगर एरर अगर एरर मिलेगा तो एरर ही देगा ना ये उसको सब तो करेगा ही नहीं हां जी हां तो यहां पे दो तरीके या तो एरर हटा दीजिए या फिर यहां पे एग्रीगेट फार्मूला एक होता है वो लगा दीजिए एग्रीगेट फार्मूला क्या करना है मुझे 9 सम करना है और फिर इसमें एक मिनट में इसको क्लोज करता हूं क्या 9 लेकिन एक कॉमा नहीं दिया है ना नहीं नहीं फाइंड फॉर्मूला ये तो अभी सर फाइंड फाइंड को बंद करना पड़ेगा ना हाँ कॉमा किया हाँ नहीं 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 हमने एक छोटा सा गलती किया हुआ है फाइंड फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट है ना एग्रीगेट फाइंड एग्रीगेट में हमें सबसे पहले देना होता है
ये दे दिया हमने नंबर, नंबर के बाद यहाँ पे डीएम देना होता है हमारा ऑफ 9.1 7 नहीं, एग्रीगेट भी एरर का सपोर्ट नहीं करता है, एरर रिमूव करके कर सकते हैं नहीं, एरर सपोर्ट इसे भी यहाँ पे यही चांस है कि मैं यहाँ पे एरर एरे को रिमूव कर दूँ इस एरर जी यहाँ पे इलेवन आया इसके लिए लगा दीजिए कि हम फाइनेंस टीम समझे क्लियर है सर। सर ये इलेवन कैसे आया एक मिनट, इलेवन मतलब कि ये जो क्रेडिट है इलेवन नंबर करेक्टर पे है समझे, दसवें नंबर पे आना ही है मतलब इसने अमाउंट को ढूंढना, पहले इसने स्केट को ढूंढा फिर इसने अमाउंट, क्योंकि दो दो वर्ड इसमें मैच कर रहे थे ना, तो 1 10 और 1 11 हो गया। तो 11 इससे मतलब नहीं, मतलब कि इसने नंबर दिया इस मतलब कि इसमें से कोई ना कोई वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। अब इसमें हम यहाँ पे दे देंगे कि इफ अगर दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन फाइनेंस समझे। अच्छा, अगर ये हाँ 0 से ज्यादा है तो ये फाइनेंस टीम का वो है, ये फाइनेंस रिलेटेड है जी। तो देखिए कितना कितना बड़ा काम हमारा हो गया, 5-5 लाइन 10-10 लाइन का पैराग्राफ हमें पढ़ना नहीं पड़ा, इसने बता दिया। ऐसे हो सकते ऐसे चार ही थे, मान लीजिए एक पैराग्राफ में आपके 15 कीवर्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि 15 में से कोई भी कीवर्ड मैच करता है तो ये हमारा है क्या जी जी जी, जी। तो 15 कीवर्ड किसके अंदर लिस्ट कर दीजिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो भी एक ही पैराग्राफ को पढ़िए या एक एक को ढूंढिए, वो तो काफी टाइम टेकिंग है। क्लियर है जी, ये तो सर था। ये वाला सर तब भी क्लियर हुआ, बट इससे पहले जो हमने जो जो आपने अलग अलग करके बताया वो ठीक था, बट जब एरे में पुट कर रहे हैं वो सर थोड़ा मुझे काफी वो लग रहा है। इसको इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एरे जो है वो लिस्ट ऑफ फार्मूला नहीं कि मैं 10 चीज 10 10 को फार्मूला बता दिया हो गया, ये फार्मूला लगाने का तरीका है। अब इसकी एग्जांपल देने जाऊं तो एक एग्जांपल में बंदा समझ जाता है, अगर ना समझ पाया तो 1000 एग्जांपल कम पड़ते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स करता है ऑटोमेशन, ठीक है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें जी सर, और कल हम बात करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे ना। हाँ जी सर, कल ज्वाइन करेंगे।